बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। व्यवहार की बात तो छोड़ो, योग में भी बैठेंगे ना तो कहेंगे अपने को आत्मा समझो, शायद 2-4 बार तो कहेंगे मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, और शायद 5वीं बार तो, और मैंने देखा है कोई कोई बहने भाई बहने आधा पौना घंटा ऐसे बैठे रहेंगे, फिर उनको पूछते हैं योग में क्या अनुभव हुआ, कहते बहन जी बहुत शांति का अनुभव हुआ। कहते हो ना, हंस रहे हैं अभी सब, ये अनुभव नहीं है, ये अनुभव नहीं है। मैं आत्मा हूं, कहां हूं आत्मा, यहां भ्रिकुटी के बीच में। कैसी आत्मा हूं, शुद्ध पवित्र, कम से कम जब योग में बैठते हैं एक या दो कोई भी शक्तियां गुण लेकर बैठे, ऐसे नहीं शांति स्वरूपों पवित्र स्वरूपों ज्ञान स्वरूपों, मैं सुखकर्ता की संतान हूं, मैं परम धाम की वासी हूं, वो खाली रिपीट करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा। चलो मैं शांत स्वरूप हूं, शांति धाम की रहने वाली, तो हर मुरली में आप कर नोट करेंगे बाबा कह रहा है बच्चे देह अभिमान छोड़ो। लेकिन कभी कभी तो हमें लगता है बाबा का बनने के बाद, बुरा नहीं मानना, हमारा देह अभिमान बढ़ता जा रहा है, मैं भी कुछ हूं, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे क्या समझा। देह अभिमान इतना आसान नहीं है छूटना, तो अनुभव अभ्यास से होता है। अनुभव करने की विधि सुनने और सुनाने से नहीं होगा, अभ्यास। आप देखेंगे डॉक्टर्स जो दवाइयां देते हैं, दवाइयां बनाते हैं, वो भी लैब में टेस्ट होती हैं, जानवरों पर पहले उसको यूज करते हैं, चूहा खरगोश, फिर इंसान पर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो मार्केट में लाते हैं। बाबा जो कुछ मुझे कह रहा है, मैंने किस किस बात का एक्सपेरिमेंट कर लिया है, अभी मैं सोच लूं मुझे आने वाले 7 दिन में देही अभिमानी बनना है, मैं आत्मा। पहले तो बैठ के ये मेरा तप हो, फिर चलते फिरते कर्म करते तब हो, मैं आत्मा। आत्मा को देख रही हूं, आत्मा के नाते भाई भाई है, भाई भाई की दृष्टि। प्राप्ति क्या है? भाई भाई की दृष्टि। हर अभ्यास के साथ प्राप्ति, दृष्टि हमारी मीठी तो बोल भी मीठा, बोल कड़वा क्यों होता है, दृष्टि कड़वी क्यों होती है, आंखों की तो बड़ी कहानी है ना, भक्ति में भी अज्ञान में भी ज्ञान में भी, सूरदास ने तो आंखें ही फोड़ ली, अज्ञानी भी कहते हैं नजर लग गई,
आंखों के लिए तो कितनी कहावतें हैं, मैं आत्मा हूं। है मेरे नेत्र स्थिर हैं, करके देखो मेरे साथ साथ अभ्यास, सीधा बैठे। आज आप अनुभव की शक्ति का अनुभव करने आए हैं। देखो नेत्र मेरे स्थिर रहते हैं, खुले रहते हैं, बंद नहीं। बंद किए तो फेल। बाबा ने हम बच्चों को जो राजयोग सिखाया है, हमारा राजयोग खुले नेत्रों से है। अब बाबा ने ये राजयोग हमें सिखाया, खुली आंख बैठो। हम लोग जब ज्ञान में आए ना, छोटे बच्चे थे, माँ बाप के साथ आ गए, तो हम देखते थे हमारी दादियां, आपको पता है पहले, आजकल पता नहीं लोग कहते हैं नहीं कहते हैं, आगे लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों की आंखों में नहीं देखना, इनकी आंखों में जादू है। जादू कौन सा है? क्योंकि ऐसे स्थिर आंख से देखना, आंख झपके भी नहीं, ये हमारी दादियों की साधना थी। भक्ति में भी देखो, हठ योग में भी देखो, लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं, ज्योति जगा के, पॉइंट लगा के ऐसे देखते रहेंगे। बाबा ने त्राटक नहीं सिखाया, लेकिन हाँ मन और बुद्धि का त्राटक सिखाया है। अपने मन बुद्धि को देखो, तो आंख बंद नहीं करनी है। मैंने देखा है आजकल भाई बहने सब योग में बैठते हैं ना, सामने बैठने वाले भी आंख बंद और सामने वाले भी आंख बंद। इसलिए योग के बाद उठते हैं तो जो शक्ति का अनुभव होना था वो हुआ ही नहीं, आंख बंद थी ना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गए, पता भी नहीं पड़ता। आलस की बात तो छोड़ो, वैसे भी कहाँ कहाँ घूम के आ गए। मम्मा बाबा के आप चित्र देखो, ये फोटो खींचने के लिए ऐसे नहीं बाबा ऐसा बैठा है, हमने देखा है। हम लोग तो बैठने के लिए कुर्सी सोफा ढूंढते हैं ना, बाबा 90 बरस की आयु में भी नीचे, क्योंकि बाबा तो जब साकार में थे, हम बाबा के बच्चे बाबा की गोद में जाते थे, तो बाबा नीचे छोटे हॉल में हमने देखा हुआ है, आके नीचे आलती पालती अर्ध पद्मासन, टांग पर टांग। आप देखेंगे बाबा हमेशा टांग पर टांग चढ़ा के बैठते, और बाबा ऐसे दृष्टि देता था, देते देते एकदम गुम हो जाते थे, बाबा की गोद में चले जाते थे। फिर अनुभव होता था सबको, बाबा के आगे गए ना सब कुछ भूल गए।